अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें। अगर नहीं करेंगे तो हो सके बाद में फ्यूचर में आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा और हो सके बैंक से अमाउंट विड्रॉ होना बंद हो जाएगा। अब सवाल आता है कि कैसे जानें कि आपका पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है या नहीं, पहले वो जान लें। इसके लिए क्या करना है, आपके मोबाइल जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो सर्च बार देख रहे हैं यहाँ पे आपको टाइप करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स टाइप करना है, उसके बाद यहाँ से आपको सर्च करना है। तो चलिए सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें पहला एक वेबसाइट आ जाता है इनकम टैक्स का। ये जो वेबसाइट देख रहे हैं इस पर क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे नीचे स्लाइड करना है और यहाँ पे देखें लिखा क्विक लिंक्स, और यहीं पे आपको देखें सेकंड में लिखा हुआ लिंक आधार स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से पेज यहाँ पे ओपन होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, और थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर डालना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस क्लिक कर रहा हूँ, और अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा पैन कार्ड नॉट लिंक विथ आधार। और लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार, इस तरह से लिखा हुआ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। अगर ऐसा आ रहा है तो समझिए आपका पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है तो इस तरह से दिखाई देगा योर पैन कार्ड इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, इस तरह से दिखाई देगा। अगर इस तरह से दिखाई दे रहा है तो समझिए आपका आधार कार्ड में पैन कार्ड लिंक है। अब मैं आपको हल्का सा बताता हूँ आप लिंक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें लिंक आधार का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ओपन होगा। मैं आपको हल्का सा दिखाता हूँ किस तरह से आप लिंक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ओपन हो चुका है। नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर डालना है, इस तरह से डाल लेना है। नीचे आपको वैलिडेट करना है, और जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह से यहाँ पे आएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे स्लाइड करना है, और नीचे स्लाइड करने के बाद नीचे देखिए लिखा कंटिन्यू टू पे थ्रू ईपे टेस्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो फिर से इस तरह से पेज आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है पैन कार्ड, यहाँ पे आपको पैन कार्ड डालना है, कंफर्म पैन कार्ड करना है, मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आप डाल लेता हूँ, इस तरह से डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपने जो मोबाइल नंबर डाला था इसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को बॉक्स में डालना है, और डालने के बाद आपको वैलिडेट करना है। तो चलिए यहाँ पे ओटीपी डाल लेते हैं, इस तरह से आपको ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है, आपको ध्यान से डालना है। और डालने के बाद नीचे से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका पैन कार्ड का नंबर और नाम दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है।